हम दर्शकों को बता दें कि राज्य की राजनीति का घटनाक्रम बहुत ही तेजी से बदला है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार समझे जाने वाले कई नेताओं को पीछे कर जेपी दल के विधायकों ने अचानक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीर प्रताप सिंह की पत्नी प्रियंवदा देवी को अपना नेता चुना है। अभी अभी एक बहुत ही सीधे साधे समारोह में राज्यपाल ने प्रियंवदा देवी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। आप लोग देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह के बाद का दृश्य। मुबारक हो प्रियंवा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है तुमने अपने कंधों पे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू चिंतन जी। एक वादा था, विशाल प्रदेश को लेके हमने बहुत सारे सपने देखे, लेकिन अगर वक्त ने ये सपने पूरे करने का मौका नहीं दिया तो वादा करो कि तुम ये सपने पूरा करो। जब तुम्हारे नाम का प्रस्ताव मैंने रखा था, सारे विधायक तुम्हारे साथ थे, तो अचानक तुमने अपना नाम पीछे क्यों लिया और प्रियंवदा के नाम का प्रस्ताव क्यों रखा? अब दीदी, भला आपके और भाभी के रहते हम कैसे मुख्यमंत्री बन सकते थे? रघु, ये मत भूलो, सक्रिय राजनीति में वीर तुम्हें यहाँ लाया था, और ये भी मत भूलो कि राजनीति में मैं बहुत पहले से हूँ। किसने किया था ये सब? और कौन? आपके भाभी? और कुछ तो करण से डर गए। और इधर हमें ये पता चला कि मंत्रिमंडल बदलने के बहाने हमारा ही पत्ता कट, और हमें पार्टी ऑब्जर्वर बनाकर किसी दूसरे राज्य में भेजने की बात दिल्ली में चल रही थी, और तुमने प्रियंवदा के सामने अपने घुटने टेक दी। अभी टेके नहीं दीदी, लेकिन हाँ, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द मौका आएगा और बाजी पलट जाएगी। What are you saying? हम लोग अभी अभी तो आए हैं, आज ही मम्मी सीएम बनी है, तुम जाने की बात कर रहे हो? तुमने मम्मी से बात की? नहीं, मैंने। तुमने उनसे बात भी नहीं की और ऐसे ही जाने का फैसला कर लिया? हाँ रोहित, कि मुझे अब यहाँ बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। माँ की दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, और तुम तो जानती हो पहले से राजनीति में मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। पापा इस बात को समझते थे, इसलिए तो जब मैंने आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करने का फैसला किया तो हैरान होने की बजाय उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया था। पर तब और अब में बहुत फर्क है ना, तब पापा थे, अब मम्मी बिल्कुल अकेली है। आई थिंक
इस वक्त उन्हें तुम्हारी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। यू शुड टॉक टू। क्या बात करूंगा और कब बात करूं? मां सीएम बन गई है, इतना टेंशन है, इतनी भागदौड़ है, समय है उनके पास मेरे साथ बात करने के लिए? और वैसे भी आई थिंक शी इज ओके, शी इज डूइंग फाइन। आई डोंट थिंक शी इज डूइंग फाइन। आई डोंट थिंक शी इज डूइंग फाइन एट ऑल। वो एक औरत है, इसलिए दर्द सहन करना जानती है, उसे बखूबी छुपाना भी जानती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें दर्द हो नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उन्हें तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नहीं उर्वी, मैं माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपनी माँ को ऐसे समय पे कभी छोड़ के नहीं जाती, और इतनी जल्दी तो तुम समझ नहीं रही हो उर्वी। यहां रहकर भी मैं किसी के कोई काम का नहीं, और फिर मेरे लौट जाने की एक और वजह है करण। वो सत्ता के नशे में इस कदर चूर हो गया है, मुझसे देखा नहीं जाता। तुम तो जानती हो मैं करण को कितना प्यार करता हूं। वो इस रास्ते पे जिस तरह से चल रहा है, मैं उसके साथ सहमत नहीं हूं। आप समर के जमीन वाला काम जल्द से जल्द करवा दीजिए, वो फाइल्स इमीडिएटली आगे बढ़वा दीजिए। हमें कभी कभी लगता है तुम बहुत जल्दी करते हो। मैंने उसको कई बार बोला कि एक दो दिन बाद बात करते हैं, लेकिन नहीं, ये बोला आज ही चलते हैं, आज ही बात करेंगे। क्योंकि हमारे बेटे ने आपसे वादा किया है, हम उसका वादा जरूर पूरा करेंगे, लेकिन सब कुछ कायदे से होना चाहिए। हमारे पास दोबारा फाइल भेजिए। क्यों मां, अब इन चीजों की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही पास करवा दीजिए ना। हम नहीं चाहते कोई तुम पे उंगली उठाए, सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रपोजल वैसे भी पास हो जाता। आंटी ठीक कह रही है करण। माँ लेकिन हमने फाइल भेजने को कहा है, काम रोकने को तो नहीं। मॉम, यू आर द बेस्ट मॉम इन द होल। थैंक यू। ओके ओके ओके। हियर गोस ब्रो। थैंक यू। दिस इज फॉर यू। यस। आप लीजिए। अरे लेना करण। करण, दिस इज शैंपेन, इट्स फॉर सेलिब्रेशन। तुम्हारी मॉम सीएम बन गई है। थैंक यू डार्लिंग, बट नो। करण, अब एक गिलास से कुछ नहीं होगा यार। अरे यार मैंने कहा ना नहीं, क्यों पीछे पड़ा है? देख मुझे इस नशे की जरूरत नहीं। ओके, सो यू गाइस ड्रिंक ऑन, चीयर्स। ठीक है, अगर करण नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं पीऊंगी। अरे तो ये पूरी बोतल मैं खत्म करूंगा भाई। बेटा चाहते तो तुम यही हो। अरे नहीं करण यार, वन से बस एक ही। नहीं देखो मेरे ग्लास से, चलो कम ऑन। श्वेता प्लीज प्लीज। थैंक यू। चलो मैं भी बस। अरे क्या हो श्वेता, बस तुम खत्म? हाँ, अगर करण एक घूंट पिएगा तो मैं भी बस एक ही घूंट पीऊंगी। ओह आई सी। अच्छा मान लो मैं जाके कुएं में डुबकी मार देता हूँ, तो क्या मेरे पीछे पीछे आके तुम भी कूद जाओगी? आजमा के देख लो। करण अगर कल तुम कहोगे कि जहर पी लो श्वेता, तो वो भी खुशी खुशी पी जाएंगे। भाई आपकी इसी अदा पे तो जान छिड़कते हैं। This is very impressive. हम तो भूल गए थे कि हमारी बहू ने मैनेजमेंट डिग्री हासिल की है। एक्सलेंट भाई, हम तो चाहेंगे कि आपको अपना ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दें। बहू को सास की थोड़ी सेवा तो करनी चाहिए, बेटे को हम मना लेंगे। टू टेल यू द ट्रूथ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ काम करके, लेकिन लेकिन क्या? मैं आपके साथ काम तो तब करूंगी जब यहाँ रहूंगी। बैंगलोर से तो बैंगलोर जी, कुणाल बैंगलोर जाने की बात कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा। कृष्णमूर्ति जी। यस मैम। आज सवेरे जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है उसे लेके कुणाल के कमरे में आइए। ओके मैम।
एनीवे मैं कल शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ. हाँ आई टॉक टू यू देन. और हाँ राम अन्ना से कह देना कि हम लोग आ रहे हैं. या आई गॉट टू गो बडी, टॉक टू यू लेटर. सॉरी माँ. आप सबको खबर दे रहे हैं सिर्फ माँ को नहीं. माँ मैंने सोचा कि आपकी बहू ने आपको बता दिया होगा. बेटा भी बता देता तो बुरा नहीं लगता. चलिए हमें और दूसरों से ये पता चल गया कि आपने जाने की मान ली है, लेकिन क्यों इतनी जल्दी बैंगलोर जाना चाहते हैं आप ही हमें खुद बता दीजिए. आप मुझे आप कहकर क्यों पुकार रही हैं? माँ मैं जानता हूं कि आप मुझे आप कहकर तभी पुकारती हैं जब आप मुझसे नाराज होती हैं. चलो अपनी माँ की कुछ बातें तो तुम्हें मालूम है. माँ नाराज क्यों होती हो? मेरा वहां जॉब है ना, एमडी को रिपोर्ट करना पड़ता है. मैं वहां एक साइबर सिटी प्लान कर रहा हूँ जिसके लिए अमेरिका से टेक्नीशियंस आकर वेट कर रहे हैं. उनके साथ बैठकर प्रेजेंटेशन बनाना है. कितना सारा काम पेंडिंग बचा है. काम की इतनी चिंता है, माँ की नहीं. कैसी बात कर रही हो माँ? आपकी फिक्र मुझे नहीं होगी. माँ अब आप सेम बन गई है. इतने सारे लोग हैं आपकी मदद के लिए. और फिर करण भी तो आपके साथ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है. मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? मुझे ना तो राजनीति की कोई समझ है और ना ही इंटरेस्ट. अपने काम में तो है, अपने काम में इंटरेस्ट है ना तुम्हें. ये जो साइबर सिटी का तुम प्लान बना रहे हो ये किसी दूसरे राज्य में क्यों, अपने राज्य में क्यों नहीं? क्योंकि माँ यहां मेरे काम की कदर नहीं होगी, मेरे सीएम के बेटे होने की कदर होगी. ऑफिसर्स मिनिस्टर्स मेरी मदद इसलिए करेंगे क्योंकि मैं आपका बेटा हूं. तो क्या दूसरे राज्यों में इस बात की खबर नहीं? और कहीं कोई नहीं जानता कि आप सीएम के बेटे हैं? जानते हैं माँ, लेकिन वहां मेरा एक अलग अस्तित्व है. देखो कुणाल, अस्तित्व बनाने से बनता है. अगर तुम्हारा काम अच्छा होगा तो लोग ये भूल जाएंगे कि तुम सीएम के बेटे हो. तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम से जानेंगे. आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन मैंने अपना फैसला कर लिया है. मुझे जाना होगा. जैसे आप ठीक समझे. माँ माँ तुम कहाँ जा रही हो? मैम ये वो रिपोर्ट जो आपने मांगी थी. थैंक यू. तुम उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती थी, ये रही. इसमें ये साफ लिखा है कि हमारे पूरे परिवार को टेररिस्ट अटैक का खतरा है. टेररिस्ट अटैक? हाँ, जिन लोगों ने उनकी जान ली उन पर हमला किया वो सिर्फ हमें नहीं हमारे पूरे खानदान को खत्म करना चाहते हैं. इसलिए हमने ये फैसला किया है कि आपके बच्चों को हम बोर्डिंग स्कूल से वापस बुलवाएंगे. फिलहाल तो हमने वहाँ के पुलिस कमिश्नर से बात करके सादी वर्दी में पुलिसमैन लगवा दिए हैं स्कूल पर. आप ये कह रही हैं कि हमें बैंगलोर में भी खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल है. इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्लीज कुणाल से बात करें और उसे कन्विंस करें कि आप लोगों को यहाँ रहना चाहिए. उसे राजनीति से नफरत है लेकिन अपने बीवी और बच्चों से तो प्यार है ना. मैं बात करती हूँ, हम लोग यहीं रहेंगे. डोंट वरी. थैंक यू वेरी मच बेटा. बैंगलोर नहीं जा रहे. बैंगलोर नहीं जा रहे? ये फैसला तुमने अपने आप ले लिया मुझसे पूछे बगैर. आज तक तुमने मेरी कोई बात नहीं डाली और आज मेरी और आपकी बात होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती. सवाल बच्चों का है. तुम क्या कहना चाह रही हो?
साफ साफ कहो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मम्मी आई तो थी समझाने, लेकिन आप किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। गुस्सा क्यों हो रही हो, बात क्या है बताओ ना। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि हम सबकी जान को खतरा है, बच्चों की भी। कहा था ना मैंने तुमसे, कहा था ना कि राजनीति के चक्करों से दूर रहो, चलो बैंगलोर वापस, लेकिन तुम नहीं माने। इतना समझाने की कोशिश की मैंने तुम्हें, पर तुम समझती नहीं। जस्ट काम डाउन। अरे क्या काम डाउन, हाउ कैन आई काम डाउन। काम डाउन, अब क्या करना है? अब करना क्या है, मां को बोलो सिक्योरिटी भेजे, बच्चों को वापस बुलाए। आई डोंट वांट टू टेक दिस रिस्क, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब देख क्या रही हो मुझे, अब इसमें अपसेट होने की क्या जरूरत है? हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू स्क्रीम। सब ठीक हो जाएगा, कल सवेरे तक बच्चे आ जाएंगे। जब तक खतरा टल नहीं जाता हम लोग यहीं रहेंगे।